दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपने टैलेंट के दम पर मुकाम हासिल कर सकता है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने अपने टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया में अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चड्डा आज लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, स्टोरी ऑफ भुवनेश्वर बाम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीबीके वाइन्स के फाउंडर भुवन बाम की। दोस्तों, आज भुवन बाम ने दिखा दिया है कि अगर कोई पैशन को फॉलो करता है तो देर से चाहे जल्दी पर सक्सेस मिलती जरूर है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 1994। 21 जनवरी 1994 को भुवन बाम का जन्म नई दिल्ली हिंदुस्तान में हुआ। भुवन बाम ने अपनी पढ़ाई ग्रीन फील्ड स्कूल नई दिल्ली से की। हालांकि भुवन बाम एक एवरेज स्टूडेंट थे। भुवन बाम का कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज नई दिल्ली। भुवन बाम की फैमिली में उनके माता, पिता और एक बड़ा भाई भी है। दोस्तों, भुवन बाम को पहले से ही सिंगिंग, एक्टिंग और मिमिक्री का शौक था। वो अपने फ्रेंड्स के बीच ग्रुप में सबको अपनी स्किल से हंसाया करते थे। भुवन बाम अपने कॉलेज में भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और भुवन बाम ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भी गाना गाना शुरू कर दिया। भुवन बाम का पैशन इतना दमदार था कि उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी यूट्यूब से सीखा। भुवन बाम का गाना एक बार उनके फेसबुक पेज पर वायरल हो गया और उनकी इस वीडियो के कारण उन्हें फॉक्स स्टार स्टूडियो में गाने का ऑफर आया। इस ऑफर को देखकर भुवन बाम दंग रह गए और हफ्ता 10 दिन उन्होंने पूरी तैयारी की और 7 गाने गाए। लेकिन फॉक्स स्टूडियो वालों को उनका गाना पसंद नहीं आया। उसके बाद भुवन बाम निराश हो गए। फिर भुवन बाम बोले, किसी के लिए फ्री में काम मत करो, फिर चाहे वो तुम्हारा पैशन ही क्यों ना हो, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता। और फिर आया भुवन बाम की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट। उन्होंने एक फोन लिया और उसका कैमरा चेक करने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसे YouTube पर बीबीके वाइन्स के चैनल पर अपलोड कर दिया। और फिर अपने पैशन को फॉलो करते हुए 4-5 वीडियोज और बनाई और उनकी किसी वीडियो पर 15 लाइक्स आए। लेकिन ये 15 लाइक्स भुवन को बूस्ट करने के लिए काफी थे। दूसरी तरफ उनके दोस्त बोलते कि इन सब से कुछ नहीं होगा, लेकिन भुवन बाम ने 15 लाइक्स के अप्रिसिएशन पर अपने पैशन को फॉलो किया। उसके बाद वो वीडियो अपलोड करते रहे और उनकी एक वीडियो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में फेमस हो गई और भुवन बाम के सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। और इस यूट्यूब वीडियो का क्रेज अब हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा था। लेकिन अभी तक भुवन बाम के माता पिता इन सब से वाकिफ नहीं थे, पर इंटरनेट का दौर था साहब। एक दिन भुवन बाम की माता के ऑफिस में एक बंदे ने उन्हें बताया कि ये देखो आपके बेटे की वीडियो। और उन्होंने घर आकर भुवन बाम के पिता को बताया और भुवन बाम के माता पिता ने भुवन बाम को समझा और उन्होंने भुवन बाम को अपना पैशन फॉलो करने दिया। दोस्तों, आप भुवन बाम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक साल में उन्होंने 1.8 मिलियन यानी 18 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए और वो इंडिया के पहले यूट्यूबर भी बने जिसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी भुवन बाम के चैनल पर 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये सब्सक्राइबर्स और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, भुवन बाम की स्टोरी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, हमें अपना पैशन फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ये थी भुवन बाम की बायोग्राफी। अगली बायोग्राफी आप किसके ऊपर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।